आज के कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से जिन्होंने मेहनत की है, हमारे रेलवे के सदस्य सुनील सिंघल जी और प्रदीप शर्मा जी, हमारे जिलाध्यक्ष जिनका सहयोग विशेष रूप से इस कार्यक्रम को आयोजित करने में हुआ है, हमारी पदाधिकारी रेणु जी और बड़े भाई कपिल देव अग्रवाल जी का धन्यवाद करता हूं, सभी नवनिर्वाचित सभासद और चेयरमैन जो आज यहां मौजूद है, मैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे पार्टी के पदाधिकारी, ब्लॉक प्रमुख, जनप्रतिनिधि सबका स्वागत करता हूं। मैं आज एक इस मंच के माध्यम से, मैं 2014 में जब मैं सांसद बना तो मुझे एक ही बात पूरे चुनाव में सुनने को मिली कि मुजफ्फरनगर की एक डिमांड जो बहुत पुरानी है, एक का मुझे बड़े बुजुर्गों ने कहा, बेटा एक काम करना, तेरे को और कोई काम हो ना हो, इस मुजफ्फरनगर तक रेलवे लाइन का दो रिकॉर्ड करवा देना, ये सबसे बड़ी मांग 2014 में मुजफ्फरनगर में थी। और मेरे से पहले जो सांसद रहे उन सबने भी प्रयास किया होगा, मैं नहीं कहता, क्योंकि मुख्य डिमांड है, सबने प्रयास किया होगा, पर मेरा सौभाग्य कि मुझे नरेंद्र मोदी जैसा नेता मिला, और उनका दुर्भाग्य कि उन्हें और कोई मिले, भाई वो उनका दुर्भाग्य विचारों का। मैं आज इस मंच के माध्यम से उस समय के रेल मंत्री आदरणीय सदानंद गौड़ा और रेल राज्य मंत्री आदरणीय मनोज सिन्हा का आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद करता हूं कि उन दोनों की वजह से मुजफ्फरनगर तक रेलवे लाइन का दोहरीकरण हुआ। और आपको अजीब लगेगा, शायद 1920 में रेलवे लाइन बनी थी पहली, 1920 के करीबी रेलवे स्टेशन बने थे, ना रेलवे लाइन का दोहरीकरण हुआ 96 में, ना रेलवे स्टेशन में सुधार हुआ। पहले रेलवे लाइन का दोहरीकरण हुआ और बिजली की पहली रेल, जब मैं सांसद था तो पहली जब ट्रेन चली बिजली की इलेक्ट्रिफिकेशन होने के बाद, तो मैं ही बैठ के उसमें मुजफ्फरनगर तक आया, ये सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हुआ, नहीं तो बस डीजल की चल रही थी रेल, बिजली की रेल भी नहीं थी। सारे नए रेल स्टेशन का निर्माण हुआ, ये जो मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन है, ये मैंने किशनगढ़ में देखा था, मैं राजस्थान गया घूमने के लिए पार्टी के काम से, मैं सुबह ट्रेन से उतरा तो उतरते देखा, मैं किसी महल में आ गया, बाहर निकल के देखा, मैंने देखा भाई महल है के रेलवे स्टेशन, कहने लगे जी महल की तर्ज पर रेलवे स्टेशन है। जब मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन के बनने की बात आई तो मैंने अधिकारियों से निवेदन किया कि भाई इसे किशनगढ़ की तर्ज पर बना दो, और मेरा सौभाग्य है कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में जितने रेलवे स्टेशन है वहां से शुरू कर लो, दोराला, सकोती, खतौली, जड़ौता, मंसूरपुर, मुजफ्फरनगर और आगे भी जो मेरे क्षेत्र से बाहर है मेरे जिले में, सभी रेलवे स्टेशन का निर्माण आदरणीय नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुआ, 96 पुराने रेलवे स्टेशन की लगवाई गई किसी पर। तो मैं आज उन सबको याद करना चाहता हूं जिनका इसमें सहयोग रहा, और अब तो ऐसी बात, अब ऐसी सौगात मिली वंदे भारत के रूप में, बीच का कोरोना का रहा कि सबका आग्रह था कि ट्रेन बंद हुए, ट्रेन चलवाओ, ट्रेन चलवाओ, कुछ ट्रेन चली, कुछ के स्टॉपेज डिस्टर्बेंस रहे 2 साल। जब वंदे भारत की बात आई तो मैंने 1-1.5 महीने पहले आदरणीय मंत्री से रिक्वेस्ट की कि भाई वंदे भारत हमारे रूट देहरादून तक का रूट बड़ा अच्छा है, दिल्ली से लेकर हरिद्वार देहरादून तक इस पर वंदे भारत चलनी चाहिए। वंदे भारत का निर्णय तो हुआ, चलाने का निर्णय भी हो गया, लेकिन ये जो हमारे अधिकारी महोदय होते हैं किसी भी विभाग के हो, ये रूल भी होते हैं, कहने लगे जी रूल में मुझे अपना रेलवे स्टेशन नहीं आता, भाई ट्रेन तो चलेगी पर 3 दिन पहले हमारा स्टेशन काट दिया उन्होंने, अब स्टेशन काट दिया। तो मैंने भी मंत्री जी को कहा भाई रूल तोड़वाने का काम तो मुझे अपना वालों को बढ़िया डाला, वे ट्रेन चलेगी तो स्टेशन मुझे अपना होगा, अगर स्टॉपेज नहीं होगा तो ट्रेन भी नहीं होगी। और मैं आज धन्यवाद करूंगा आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी का, इसीलिए सारा मुजफ्फरनगर आया है धन्यवाद करने के लिए कि उन्होंने हमारी बात मानते हुए स्टॉपेज मुजफ्फरनगर में आखिरी टाइम पे 1 दिन पहले उन्होंने करने का काम किया, उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। 10:30 बजे यहां से बैठोगे, 11:30 दिल्ली पहुंचोगे, आनंद विहार रेलवे स्टेशन उतरोगे, मेट्रो में बैठ के दिल्ली में जहां काम है काम करके 5:15 बजे मेट्रो में बैठ के उल्टे आनंद विहार पहुंचोगे, और भाई 7:30 मुजफ्फरनगर अपने घर वापस पहुंच जाओगे। दिन में मेरे से मिलने भी आओगे तो भी ट्रेन में जाओगे और ट्रेन में आओगे,
कह रहे हैं कि 400 रुपए का टिकट है। अरे भाई कार बजाओगे तो 4 से 5 हजार रुपए तो लगेंगे, और सड़क पे भीड़ हो, इन्वायरमेंट में पोल्यूशन होगा, तेल का टिकट और आनंद हवाई जहाज के, इतना बड़ा आनंद मुझे लगता है कि का ट्रेन भाई आगे क्या नहीं आई, मुझे लगे आगे खरदू से बचे भाई आगे मैं तो पहले कहा था कपिल देव जी को, तो आज गीत सुना दो कपिल देव जी, माहौल बहुत अच्छा है, हंसी का माहौल होता है, मैं गलत कह रहा हूँ भाई, ये हंसी के प्रबंध है, राजनीतिक लोगों के जीवन में कभी कभी आते हैं, जनता के जीवन में भी कभी कभी आते हैं, तो मैं अपने भाई से निवेदन किया था भाई आज तो एक गीत सुना दो, देख किधर की जरूरत है, अरे सुना दो समय पर यार, तो मेरे राज्य हो गया, चलो भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन।